फटाफट हम लोग लेके आते हैं मटेरियल और फिर उसके बाद फटाफट करते हैं भीमो का काम। उसके बाद फाइनल में दिखाऊंगा आपको कि कैसा हो रहा काम हमारा। कमल भाई भी लगातार लगे हुए हैं और पंकज भाई भी और बड़े भैया राम। हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, प्रणाम, पलक, और आप सभी का स्वागत है मेरे नए ब्लॉग में। और आज का ब्लॉग काफ़ी सुंदर होने वाला है। आज देखिए, यहाँ तो पूरी धूप आ चुकी है पहाड़ों में इस समय, लेकिन शहरों में लगातार कोहरा है। और पहले शुरुआत करते हैं अपने ब्रेकफास्ट से। आज का ब्रेकफास्ट क्या बनाया पहले वो देख के आता हूँ। देखो ना, पहाड़ की जो लाइव होती है वो होती है दादा और पोते की। कैसी लाइव होती है? हर्षु, ये देखो यहाँ पर सेक रहे हैं आग। ठंड में ना जो आग का मजा है वो अलग ही है यार। राम भाई का तो ब्रेकफास्ट ही शुरू हो गया। मैं मेरे लिए क्या ब्रेकफास्ट बनाया भाई? हेलो, ये है मेरी प्यारी सी ईजा। ईजा हेलो तो करते सबको। हेलो, नमस्कार, प्रणाम, पहलाक सबको। नमस्कार, प्रणाम। ईजा गुड मॉर्निंग बोल। और तुम क्या बना रहे हो? ये है हमारी बॉस। हेलो, क्या बना रहे हो? मैं भट की चुड़कानी। भट की चुड़कानी आज तो आज बन रही है भट की चुड़कानी। भट की चुड़कानी बना रही है कल्पना। और कल्पना मेरे लिए क्या क्या नाश्ता है और क्या बना रखा नाश्ते में? नाश्ते में बना रखा है आज कद्दू की सब्जी और चाय। रोटी पराठे जो खाओगे वहाँ है, चाय साइड है। रोटी पराठा चाय सब बनी है ना। लगा दो यार, पहले लगा दो यार प्लीज। जल जाएंगे ना 2 मिनट। ये है रोटी चाय और ये क्या रख रहे हो? कद्दू की सब्जी। अच्छा, कद्दू की सब्जी रख रहे हो। मैं सोच रहा हूँ यार कुछ अचार वगैरह होगा। अचार नहीं है तो बहुत चटपटी। तो नई सुबह के साथ मैं पहुंच चुका हूं हरतुला में। और हरतुला में हमारा जो है बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। तो दोस्तों, आज का दिन काफी अच्छा है। और आपको मैं अगर आज हिमालय दिखाऊं और अपने पहाड़ों की बात करूं, पहाड़ों में हर समय खिलखिलाती धूप है, लेकिन अगर मैं हरतुला जो मेरे घर से करीब 10 से 12 किलोमीटर की दूरी पर, अगर मैं वहां का व्यू दिखाऊं ना हिमालय का, आपको मजा आ जाएगा आज का हिमालय व्यू देखकर। अनिखेत, और ये देखिए, ये है मासी द्वाराहाट अल्मोड़ा। ये है अल्मोड़ा। तो यहाँ का आज का हिमालय व्यू देखिए, गजब का हिमालय व्यू है आज। मैं तो पहुंच गया हूँ यार घर हरतुला में। आज काफी अच्छा रहा काम और वहां सारा काम चल रहा है। और अभी देखिए दिन का समय हो रहा है लगभग 2 बजे का और खिलखिलाती धूप है। यहाँ मेरे घर के पास एकदम खिलखिलाती धूप। अम्मा ने मालिश करी है? देखो दादा दादी कैसे मजे कर रहे हैं अपने पोते के साथ। दोनों दादा दादी पोता। जय श्री राम। पापा के गुड मॉर्निंग। और यह है मेरी मोटो। मेरी मोटो 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 टोटो। तो ये सामने हमारा होम स्टे। तो अभी 4 तारीख तक लगातार हमारे पास गेस्ट थे, तो अभी खाली है। आज 2 दिन हो गए, लेकिन फिर 12, 13, 14 फिर हमारे पास गेस्ट हैं। तो आपको दिखाता हूँ मैं रूम। अब थोड़ा चेंजिंग कर दी ना रूमों में, तो आप कैसे हैं रूम आपको दिखाता हूँ। तो इन सब में अब डबल ब्लैंकेट कर दिए एक के साथ एक, क्योंकि जाड़ों के दिन है ना, तो ठंडा बहुत ज़्यादा है। चेयर और टेबल तो पहले से लगी हुई है। टीवी टाटा स्काई। और इधर बाथरूम, ये तो आपने देखा ही है पहले ही। तो ये हमारा सिंगल रूम। ये है डबल रूम, इसमें भी टीवी अटैच है। और जो इसका सेकंड रूम है वो है अंदर। तो मुझे यहाँ की लाइटिंग जलानी होगी। तो ये है डबल रूम और इसके साथ जो बाथरूम है, बाथरूम अंदर अंदर अटैच है। आज तो धूप काफ़ी अच्छी है यार, आज पूरे दिन धूप है। वैसे ठंड का जो टाइम चल रहा था। और एक रूम है हमारा ये इधर, जैसे सिंगल फर्स्ट उधर है, फिर डबल इधर है, और फिर एक सिंगल है ये। तो ये तो ऑलरेडी बुकड है, अभी ये इस पर 3 महीने और है जो बुकिंग के अभी हमने जो दे रखा है। राम भाई तो गर्मा गर्म चाय पी रहे हैं ठंड के टाइम में। और इजा तू कहाँ जा रही है? अच्छा, तो इजा तो जा रही है प्याज लगाने का। हाँ, इस वाले में यानी कि घर के आगे तली बाड़ में जनी यार, बाड़ में जनछी तली। अच्छा अच्छा,
और यहाँ जो बन रहे हैं हमारे 3 room cottage, उधर देखिए यार क्या माल्टा लगे हैं इधर पूरे पूरा। इस समय फलों से ना जो जाड़ों के टाइम के फल हैं इनका तो टेस्ट ही अलग है। जो आपने मेरी पुरानी वीडियो में देखा होगा जो हम माल्टा खा रहे थे ना वो यहीं का है घर का ही। और ये है गोपालदा, गोपालदा का सारा काम पूरा हो गया है आज लकड़ी का। तो ये बना रखी है चौखटें, ये खिड़की और ये बाथरूम के लिए छोटे एग्जॉस्ट बोल सकते हैं, एग्जॉस्ट लगाने के लिए ये बना रखे हैं। मटेरियल भी हमारा सारा आ गया है, इधर रखा है मटेरियल, इधर रखा है, इधर रखा है, इधर रोड़ी रखी है और इधर बन रहा है हमारा 3 room cottage। ये देखिए ये तो है रूम, ये है अभी ये बन रहा है, अभी ये तो बन रहा है 14x11 का बन रहा है इसका जो अंदर का स्पेस बता रहा हूँ केवल। ये है बाथरूम, बाथरूम बन रहा है इसमें 6x8 का बाथरूम एक बन रहा है और ये बन रहा है 15x11 का रूम ये, और इसका बाथरूम, इसका बाथरूम भी साथ में अटैच होगा और फिर एक बनेगा यहाँ। प्लान तो अभी काफ़ी लंबा है लेकिन देखते हैं क्या क्या बन पाता है, और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं देखो कहाँ तक हो पाता है, लेकिन होने वाला बहुत कुछ है। ये गोपालदा कुछ नया चीज़ लेके आ गए हैं। गोपालदा क्या लेके आए हो? गोपालदा क्या लाए हो? तार कटर दिखाओ कहाँ ये, अरे वाह दिखाओ काट के दिखाओ। चलना है तो यहाँ से चलो ये, अरे वाह ये बड़ी बड़ी बढ़िया चीज़ लेके आए हो यार। इसका मुंह तो बिल्कुल जिराफ का जैसा है यार, ये काट देगा किसी को। ये लो तो चौखट तो हमारी वैसे सारी कंप्लीट हो गई है, और यहाँ पर जो भी हमारे गेस्ट लोग आते हैं तो यहाँ पर बैडमिंटन, और वैसे अभी जैसे अब न्यू ईयर सेलिब्रेशन था यहाँ पर, न्यू ईयर के दिन यहाँ पर हमने रात को बोनफायर यानी कि यहाँ पर शाम को आग जला रखी थी और सब लोग यहाँ पर चारों ओर बैठे हुए थे। उस दिन भी वीडियोस बनाता लेकिन क्या था ना टाइम नहीं हो पाया क्योंकि इतना बिजी था, सारे रूम फुल थे और उसके बाद भी एक दो रूम हमारे चाची लोग के पास भी हैं तो जिनमें बाथरूम अटैच है तो वो रूम भी हमने लगाए थे, तो इसलिए काम ज़्यादा हो गया था और समय बिल्कुल नहीं मिल पा रहा था, तो इसलिए अच्छे से आपको वो न्यू ईयर का सेलिब्रेशन दिखा नहीं पाया। तो भाई अभी बहुत सारी चीज़ें हैं, फिर दिखाता हूँ आपको कुछ और नया आज के दिन का। तो भाई ठंडा हो रहा है इसलिए मफलर बांधा हुआ है सर में, क्योंकि काफ़ी ठंडा हो रहा है तो इसलिए मफलर बांधा है। तो कई लोगों से अब जैसे हमारे पहाड़ों से ना इसमें पलायन काफ़ी तेज़ी से हो रहा है, किसे पूछो भाई पलायन क्यों, क्यों क्या है शहर में, बोलते हैं काम नहीं है कुछ नहीं है। यार हमने भी ना एक रूम से शुरुआत करी थी और आज 5 room तो हमारे पास ऑलरेडी हैं और 3 room अभी और बन रहे हैं जो हमारे गेस्ट हाउस बन रहे हैं, जो कि हमारे मतलब गेस्ट के लिए अतिथि के लिए। और यहाँ के हमारे युवा बोलते हैं कि कुछ रोज़गार नहीं है, चलो भाई होम स्टे का रोज़गार नहीं है। हल्द्वानी से यहाँ टैक्सी आ रही हैं, हल्द्वानी से यहाँ आ रही है टैक्सी, और यहाँ वाले लड़के हमारे भाई लोग बोलते हैं कि काम नहीं है। हमारे पहाड़ के युवा बोलते हैं बेरोजगारी काफ़ी हो रही है, बाहर दिल्ली से, हरियाणा से, पंजाब, चंडीगढ़, लुधियाना और शहरों के यहाँ कॉटेज बने हुए हैं, होम स्टे बने हुए हैं और हमारे पहाड़ के लोग कहते हैं भाई काम नहीं है। मैं एक शख्स से आपको जल्दी मिलाने वाला हूँ, वो है शायद दिल्ली से ही है और यहाँ खेती कर रहे हैं, तो पिछली बार जो उनकी फसल की जो आय आई थी जो उनसे मिलने गया था तो उन्होंने बताई थी करीब उन्होंने करीब 1.25 lakh rupees, तो अप्रोक्स 1.25 lakh rupees आई थी। और हमारे पहाड़ के युवा कहते हैं यहाँ काम नहीं है। और मैं एक और उदाहरण देना चाहता हूँ, एक है हमारे यहीं हमारे लोकल के ही हैं तो उन्होंने गाय पाल रखी हैं, और जो उन्होंने गाय है तो उनका करीब 7 से 10 liters दूध रोज़ाना डेयरी जा रहा है, तो उनके पास मंथली इनकम आप लगा सकते हैं कि 25 से 30 thousand rupees है, और हमारे पहाड़ के युवा कह रहे हैं कि काम नहीं है, रोज़गार नहीं है। तो यार अगर हम लोग पहाड़ों से प्लान करेंगे ना तो रोज़गार तो धीरे धीरे प्लान होना ही है भाई। तो चलो ये सब बातें तो होती रहेंगी और भी काफ़ी सारी बातें हैं, तो आज जो हमारे घर का काम अब शुरू हो चुका है आज से, तो दिखा दूँ आज से यहाँ पर कॉलम पढ़ने शुरू हो रहे हैं और इतना अच्छा लग रहा ना आज, मतलब कि यार दिल के जज्बात ना आ नहीं पा रहे, निकल नहीं पा रहे। ये देखिए कमल भाई ने यहाँ पर मटेरियल बनाना शुरू कर दिया है, सीमेंट लौट दिया, सीमेंट लौट दिया कमल भाई ने, ये अब करा जाएगा मिक्स, अब करा जाएगा मिक्स।
और जो पूरे घर की दारोमदार है, पूरी जिम्मेदारी है, वो गोपालदा की है। लेकिन गोपालदा ने यहाँ 36 जगह काम ले रखे हैं, उसमें से 35 जगह जा रहे हैं और यहाँ कह रहे हैं आज आऊंगा कल से आऊंगा। भाई बाकी मैं क्या कहूँ। तो जितने हमारे गेस्ट लोग देख रहे हैं ना, सब लोग जी पूछते हैं कि जल्दी जल्दी आप घर बना दो, हम लोग आएंगे, हमें ये वाला रूम चाहिए, किचन अटैच चाहिए। तो यार ये सब लोग आप गोपालदा से ही पूछ लो, गोपालदा ये रूम कब तक बन जाएंगे, सब लोग पूछते हैं। बस जल्दी बन जाएंगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। नहीं तो बनेंगे कब तक? बस कोशिश जारी है। 1 महीना 15 दिन कितना टाइम? बस 1-1.5 महीना मान के चलो। तो 1 महीना यानी कि आज है जनवरी 6 तारीख और ये मान के चलिए फरवरी 6 तारीख तक हम लोग आपको ये रूम रेडी दे देंगे, जिसमें एक रूम होगा विद बाथरूम अटैच, टीवी अटैच, हीटर अटैच, गीजर अटैच और साथ में इलेक्ट्रिक केटल भी देंगे, क्योंकि यार यहाँ क्या होता है ना, पानी बड़ा ठंडा रहता है तो पानी आप गर्म कर सकते हैं। और जो हमारा अगला रूम बनेगा वो बनेगा विथ किचन अटैच, तो उसमें यही सारी चीज़ें रहेंगी और किचन भी साथ में अटैच रहेगा। किचन में हम आपको गैस भी देंगे, चूल्हा भी देंगे, बर्तन भी देंगे, सब कुछ। आपने यहाँ आना है, रहना है और इन्जॉय करना है, और पहाड़ों को जितने पहाड़ खूबसूरत हैं उनको उतना खूबसूरत रहने देना है। तो आप देखेंगे ना, ये घर जो भी बन रहा है ये पत्थरों से बन रहा है, जो हमारा लोकल मटेरियल होता है पत्थर और मिट्टी से इसकी बन रही है बुनियादें, अभी पत्थर और मिट्टी से इसकी बुनियादें बन रही है। तो इसके बाद होगा इसमें कंक्रीट सीमेंट का काम, क्योंकि ना दीवारों में कम खर्चे में ज़्यादा अच्छा बनाना है और जल्दी बनाना है, तो इसलिए ईंट और इसका काम किया जाएगा। दोस्तों आज ना खाने में कुछ स्पेशल बनने वाला है, और क्या बनने वाला है कल्पना, आज क्या बना रहे हो? बिच्छू घास की सब्जी और मंडवे की रोटी। तो ये देखिए अभी बिच्छू घास की सब्जी यहाँ पर बनाई जा रही है। इसको पहले क्या किया जाता है, इसको बॉयल किया जाता है। बॉयल इसलिए किया जाता है, एक मिनट दिखाना, चिमटा दिखाना। हाँ यस यस यस, चिमटा दिखाना एक मिनट। ये देखिए देख रहे हैं हम, इसमें क्या होते हैं, कांटे होते हैं, ये कांटे दिख रहे हैं ना। तो ये बॉयल करके क्या होता है, इसके सारे कांटे गल जाते हैं और जो भी इसमें मतलब डस्ट रहता है वो सारा गल जाता है, तो वो अलग हो जाता है। और फिर इसको इसके बाद इसको एक बार और धोएंगे तब जाके ये बन जाएगा। तो दोस्तों आज बनने वाली है बिच्छू घास की सब्जी, और आज इतना मन खुश हो रहा ना, क्योंकि यार आज ना घर के कॉलम पढ़ना शुरू हो गए, तो बहुत तेजी में यार काम बनने वाला है, तो इसलिए मैं उनके लिए लेके जा रहा हूँ चाय। तो यहाँ पर चाय भी, ये देखिए यहाँ पर चाय भी तैयार हो रही है, और इसके बाद मैं लेके जाता हूँ चाय सबके लिए। तो यहाँ पर बाबूजी आ गए हैं। बाबूजी आप कुछ कह रहे हैं बिच्छू घास के बारे में क्या? मैंने कहा ये जो कोई गलत काम करता है उसको लगाया भी जाता है। अच्छा अच्छा, मतलब मुझसे तो नहीं कह रहे हो ना, इससे करंट लगता है? मुझसे तो नहीं कह रहे हो ना, मैं तो नहीं कहने आ रहा क्या, मतलब गलत काम तो कर ले तो चलने लगू। तो ये बन के आ गई है चाय, और सभी के लिए चाय है। इसमें एक गिलास में से अपने लिए भी लेके आया हूँ पहले ही। तो राम भाई, पंकज, ये लोग उबालना चाय। पंकज आ गए हैं। अच्छा अच्छा, आ जाओ चाय। तो दोस्तों एक चाय मैं भी पी लेता हूँ, क्योंकि पहाड़ में रहना है तो चाय पीते रहना है, क्योंकि यहाँ ठंडे भगाने की एक ऐसी चीज है जिससे मतलब ठंडा आपको देखते ही भाग जाएगा। मजा आ गया चाय में। तो शुरुआत करते हैं। तो इसमें मटेरियल तो कमल और पंकज भाई ने बना दिया है, अब मैं डालता हूँ इसमें पानी। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ मंगलम कुंडलिकाक्षाय मंगलाय तनो हरि। हे भगवान, सब काम सफल हो और ये घर ना बहुत अच्छा और बहुत सुंदर बन जाए। तो अब शुरुआत करते हैं आज के काम की, और इसके बाद मटेरियल बनने देते हैं, फिर शुरुआत करते हैं। अब हमारा मटेरियल भी बनना शुरू हो गया है, जिसमें पंकज भाई हैं आज हमारी टीम में, कमल भाई हैं, तो दोनों के हाथ में आज पावर दे रखी है, अंबुजा सीमेंट की पावर। शाबाश लड़कों, शाबाश। अभी मैं भी लगाऊंगा बीका इसमें, और इसके बाद ये सिर्फ अभी मैंने कैमरा पकड़ा इसलिए इंद को दे रखा, वैसे पूरी तगार फेंकने में मैं ही लगूंगा यहाँ पर। तो मटेरियल बनना हमारा शुरू हो गया है, और अभी थोड़ी देर बाद मटेरियल जब बन जाएगा उसके बाद दिखाऊंगा आपको कि कैसा
काम हो रहा है और किस तरह के हमारे क्वार्टर बनने वाले हैं वो तो मैंने आपको पहले दिखा रखा है कि इस तरह के हमारे रूम बनने वाले हैं। तो आज शुरुआत होगी है, श्री गणेश बोला जाता है इसको जिस दिन कॉलम की शुरुआत होती है। तो फाइनली मटेरियल हमारा रेडी, अब शुरुआत करेंगे हम फर्स्ट कॉलम से। फर्स्ट उसके बाद लगाऊंगा मैं, तो घर में ना सारे काम कर लेते हैं हम लोग, कुछ भी काम हो जैसे हार्ड वर्क तो आराम से भाई और स्मार्ट वर्क तो पहले से ही करते हैं। तो ये बन गई है मटेरियल, अब शुरुआत करते हैं मटेरियल कॉलम में जाने की। तो ये फर्स्ट कॉलम में मटेरियल भरना शुरू। मटेरियल ये लगातार काम हो रहा है लगातार। तो फटाफट हम लोग लेके आते हैं मटेरियल और फिर उसके बाद फटाफट करते हैं बीमो का काम, उसके बाद फाइनल में दिखाऊंगा आपको कि कैसा हो रहा काम हमारा। कमल भाई भी लगातार लगे हुए हैं और पंकज भाई भी और बड़े भैया राम, तो सब लोग हमारी पूरी टीम यहाँ पर काम कर रही है इस समय, और बाबूजी भी हैं काम पर खड़े। चलो भैया भर दे पंकज, इसमें 5 बिल्चा भर भाई, 5 बिल्चा लगातार भर। एक तो एक कॉलम हमारा ये फाइनल हो गया फर्स्ट वाला इधर, और दूसरा कॉलम ये भी फाइनल हो गया है, और तीसरा और चौथा भी टाइम लग जाएगा थोड़ा बहुत, और देखते हैं कल आज मतलब कि कितना काम हो पाता है कल तक के लिए। तो आज के वीडियो को करते हैं यहीं पर समाप्त, और फिर मिलते हैं कल एक नई वीडियो में, एक नई सुबह के साथ, एक नई सोच के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट। गुड नाइट पंकज भाई, पंकज भाई बोल दे, गुड नाइट कह रहे हैं, देख रहे हो।